ध्यान रखें। मैं गुजारिश करूंगा एक ऐसा शायर जो भारत से चाहे उधर पाकिस्तान की तरफ हो और चाहे इधर यूएई की तरफ, एमिरेट्स की तरफ और दूसरे ममालिक की तरफ, उसकी बाज नज़मों के बंद यानी अबू तालिब का बेटा जैसी नज़्म, हुसैन जीत गए हुसैन जिंदाबाद जैसी नज़में होंगी, बच्चे बच्चे को याद है और अजबर है और यही मेरे ख्याल से उनकी मकबूलियत की पहचान है। यानी एक ऐसा शायर कि जो मारूफ भी है, मशहूर भी है और बारगाह-ए-रहमत में मकबूल भी है। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब फैयाज राय बरेलवी साहब तशरीफ। देखिए वो हमको बुढ़ा तो कह सकता हूँ, बुजुर्ग नहीं कह सकता। ये भाई ने चार विशेष सभी के मैंने पाई से डॉक्टर मैं नीचे तुम चार मिस्टर पहले मुझसे इजाजत ले उसके बाद बनारस से बात करूंगा। अल्लाह ऑन कर दीजिए, ऑन है क्या थी? हाँ आ रही आवाज़ आ रही है, पढ़िए ठीक है सही है। वो कौन है जिसको पैगंबर अपना एक टुकड़ा कहते हैं? चारों से बात बतौर खास। वो कौन है जिसको पैगंबर अपना एक टुकड़ा कहते हैं, बेटी भी अपनी कहते हैं और उम्मोबीहा कहते हैं, बेटी भी अपनी कहते हैं और उम्मोबीहा कहते हैं, अजमत के मनारे हैं जितने देते हैं सलामी अहमद को, अजमत के मनारे हैं जितने देते हैं सलामी अहमद को, अहमद का सलाम आए जिस पर हम उसको सहरा कहें। सलाम आए जिस पर हम उसको जहरा कहते हैं, अहमद का सलाम आए जिस पर हम उसको जहरा कहते हैं। नारे सलाम बोलते हैं का खेमा चाहिए।
हिम्मत है अली में खामोशी दरे शाह नजफ की खाक जिसके सर की जीनत है, दरे शाह नजफ की खाक जिसके सर की जीनत है, दरे शाह नजफ की खाक जिसके सर की जीनत है, तो फिर ताज शहनशाही की उसको क्या जरूरत है, तो फिर ताज शहनशाही की उसको क्या जरूरत है। अब देखना कि मदद कर ये फैसला करने में दिक्कत है, मदद कर ए खुदा
शरीयत में महफिल या इसी महफिल में जन्नत। महफिल या इसी महफिल में जन्नत है, जन्नत में महफिल या इसी महफिल में जन्नत है। कि चरागाने फलक ड्योढ़ी पे आकर ये बताते हैं, चरागाने फलक ये बताते हैं खुदा का मुल्क है लेकिन अली की बादशाहत है, का मुल्क है लेकिन अली की बादशाहत है। अली की उंगलियों पर बाब खैबर ने ये बतलाया, अली की उंगलियों पर बाब खैबर ने ये बतलाया, तुम्हारे हाथ की रोटी में जहरा कितनी ताकत है। अली के नाम का मतलब कोई पूछे तो कह देना, अली के नाम का मतलब कोई पूछे तो कह देना, मोहब्बत है इबादत है सखावत है शजात है। जमीन पर जमीन पर करबला है, आसमां पर करबला वाले, जमीन पर करबला है आसमां पर करबला वाले, यहां भी अपनी जन्नत है। अली की उंगलियों पर बाब खैबर ने ये बतलाया, अली की उंगलियों पर बाब खैबर ने ये बतलाया, तुम्हारे हाथ की रोटी में जहरा कितनी ताकत है, तुम्हारे हाथ की रोटी में जहरा कितनी ताकत है। अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा,
तालिब का बेटा गदीर खुम का दूल्हा अबू तालिब का बेटा निराली शान वाला अबू तालिब का बेटा अली मुर्दों को जिलाए अली सूरज पलटाए पलटाए करिश्मे देख के जिसके नुसैरी चक्कर खाए करिश्मे देख के जिसके नुसैरी चक्कर खाए खुदा है या है बंदा अबू तालिब का बेटा खुदा है या है बंदा अबू तालिब का बेटा कुछ ऐसा पाया नबी ने बेटी दे दी सब कुछ ऐसा पाया नबी ने बेटी दे दी शबे हिजरत जो सोया खुदा ने मर्जी दे दी शरफ का अर्श मौला अबू तालिब का बेटा जमीन पर अर्श मौला अबू तालिब का बेटा सुने सरा जो इनसे दूर रहेगा बहुत मजबूर रहेगा जो इनसे दूर रहेगा बहुत मजबूर रहेगा मजबूर रहेगा दुआए नूर भी रट कर सदा बेनूर रहेगा सदा बेनूर रहेगा सदा बेनूर रहेगा मशीयत का है उजाला अबू तालिब का बेटा निराली शान वाला अबू तालिब का बेटा जो इनसे बुग्ज रखेगा बड़ी मुश्किल से मरेगा जो इनसे बुग्ज रखेगा बड़ी मुश्किल से मरेगा जो इनसे बुग्ज रखेगा बड़ी मुश्किल में पड़ेगा यहाँ भी हाथ मले मलेगा है बख्शिश का दरवाजा अबू तालिब का बेटा है बख्शिश का दरवाजा अबू तालिब का बेटा मेरा ईमान अली है मेरा कुरान अली है मेरा ईमान अली है मेरी पहचान अली शरफ का अर्श मौला अबू तालिब का बेटा
मेरा ईमान अली है, मेरा कुरान अली है, मेरा ईमान अली है, मेरी पहचान अली है, सुने हर दौर के सुल्तान मेरा सुल्तान अली है, मेरा सुल्तान अली है, शहनशाही का इदारा अबू तालिब का बेटा, शहनशाही का इदारा अबू तालिब का बेटा, मकी से जलने वालो मका से रिश्ता तोड़ो, काबे को तहारत, बेकारे खाने काबा अबू तालिब का बेटा, बेकारे खाने काबा अबू तालिब का बेटा, मिला जब माल गनीमत इकट्ठा हो गई उम्मत, मगर जब दीन नबी को पड़ी है खून की जरूरत, मगर जब दीन नबी को पड़ी है खून की जरूरत, निकल कर सामने आया अबू तालिब का बेटा, निकल कर सामने आया अबू तालिब का बेटा, खुदा है या है बंदा का बेटा, एक बार छूट गया था। नुसैरी तेरी बातें बड़ी अच्छी लगती है, एहतियात रखिएगा, नुसैरी तेरी बातें बड़ी अच्छी लगती है, हकीकत में झूठी है मगर सच्ची लगती में झूठी है मगर सच्ची लगती है, मगर सच्ची लगती है सच में रब के जैसा अबू तालिब का बेटा।
के जैसा अबू तालिब का बेटा, उसे कहते हो काफिर पयंबर का जो चचा है, उसे कहते हो काफिर पयंबर का जो चचा है, पयंबर का जो चचा है। ए फर्जी बाप के बेटो, कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है अब भी गैब में बैठा। वो निकला है मैं हक से बनी हाशिम का जियाला, बताती है ये जलालत बिठा दो कितना ही पहरा, बताती है ये जलालत बिठा दो कितना ही पहरा, उठा ले जाएगा दरिया। शमशीर जलाला, हल्का हल्का सा तबस्सुम बना शमशीर जलाला, तो फिर फैयाज न जाने वो होती कैसी कयामत, तो फिर फैयाज न जाने वो होती कैसी कयामत, अगर खुलकर हंस देता। उन्होंने कहा था कि महफिल मदे अली में खामोशी अच्छी नहीं, जैसे उन्होंने कहा फौरन हज़रत साहब आए और अपने दिलों की धड़कनों को नारे हैदरी बैठा लिया, उन्होंने आली आली की सुनाई है। आइए मैं एक बंद पेश करता हूँ नैयर सरसवी का भारत से, आमिले दीन खुदा समझे जिसे फखरे आराम, कुफर का इल्जाम उसके सर लगे हाय गजब, चल रहे हैं किस रकाबत में न जाने सबके सब, दोस्तों के बुग़्ज़-ए-लिल्लाह काम समझे सबब, इस तरह बुग़्ज़-ए-असद की कश्तियां खेलते हैं लोग, दुश्मनी बेटे से बदला बाप से ले, इस तरह बुग़्ज़-ए-असद की कश्तियां खेलते हैं लोग, दुश्मनी बेटे से बदला बाप से ले।
हुआ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी पाकिस्तान की भी शिरकत हो जाए। जौन एलिया का एक मतलब और एक शेर मैं अर्ज कर दूं कि न जमी है न जमा है तना ना हो जाओ, न जमी है न जमा है तना ना हो जाओ, सब फकत वहम गुमा है तना ना हो जाओ। अबू सुफियान मुसलमा अबू तालिब काफिर, क्या तमाशा मेरी जहा है तना ना हो। शायरी बना देते हैं भैया साहब, ये उनकी खूबी है। लेकिन हर शायर का अपना एक अलग हुनर होता है। अब जिस शायर को मैं आवाज देने जा रहा हूँ उसकी शायरी एक पैगाम लिए होती है, और जिस शायर का पैगाम बड़ा होता है उसकी शायरी बड़ी होती है। इकबाल इसलिए बड़ा शायर है कि उनके पास एक पैगाम है, अकबर इसलिए बड़ा शायर है कि उसके पास एक पैगाम है, हमारे इस महफिल में जफर आजम इसलिए बड़े शायर है कि उनकी शायरी में पैगाम है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सरवार।